गुलाम के नियम से हमें क्या करना है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है, किसके नियम की व्युत्पत्ति करनी है भाई, गाउस के नियम की। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए यह क्या है, कोई बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, एस है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित है, बिंदु आवेश स्मॉल क्यू। ठीक है, ये स्मॉल क्यू आवेश है, तो हमें इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु है पी। ठीक है, और इस बिंदु पी के ऊपर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु पी के ऊपर एक अल्पांश पृष्ठ किसकी, डीएस की कल्पना करते हैं। तो इस डीएस का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत, तो लंबवत इस डायरेक्शन में जाएगा वेक्टर डीएस, और विद्युत क्षेत्र जो होता है किसके कारण, बिंदु क्यू के कारण। तो बिंदु क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये धनावेश है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण धनावेश से दूर जाएगा। दूर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की बिंदु पी के ऊपर डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। क्लियर है, और ये इस तरीके से होगा कि वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल होगा कितना, थीटा एंगल होगा। क्लियर है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो अब हमने क्या किया, हमने जो है आवेश क्यू से इस पृष्ठ के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची थी इस तरीके से। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा जब हमने इसके ऊपर खींची तो ये जो बीच वाला जो एंगल ड्रॉ हुआ, ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा होगा कौन सा, घन कोण। ठीक है, डी ऑफ ओमेगा, ये हमने डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़ी थी कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी पृष्ठ के ऊपर, किसी भी बिंदु से किसी पृष्ठ के ऊपर अगर स्पर्शिका खींची के जाए तो इन दोनों स्पर्शिकाओं के बीच का कोण जो होता है वो घन कोण होता है, जिसे प्रदर्शित किया जाता है किससे, डी ऑफ ओमेगा से। किसे प्रदर्शित किया जाएगा, डी ऑफ ओमेगा से प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर है, तो अब हमें किसके नियम के अकॉर्डिंग चलना है, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है भाई, कूलाम्स लॉ कहता है हमारा कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू द के क्यू वन, तो क्यू वन एक चार्ज तो कौन है हमारे पास, क्यू है, और दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, क्यू टू। तो क्यू टू हमारे पास में नहीं है, क्यू टू नहीं है, तो क्यू टू के लिए क्या करते हैं हम कि ये मान लेते हैं कि बिंदु पी पर एक, बिंदु पी के ऊपर एक यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि कूलाम के नियम के लिए कम से कम दो आवेश होना उपस्थित है, तो एक तो हो गया के क्यू और दूसरा क्या हो जाएगा, क्यू नोट, और अपन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आर कैप हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे अगर अपन बात करें किसकी, विद्युत क्षेत्र की, क्योंकि मुझे विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना था, तो विद्युत क्षेत्र इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो वेक्टर एफ की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर कहाँ से, फर्स्ट से उठाकर हमने रख दी, तो वेक्टर ई जो है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाय कितना, क्यू नोट, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया। तो अब जो मेरे पास वेक्टर ई की वैल्यू बचेगी वो कितनी आएगी भाई, वेक्टर ई जो है वो मेरे पास आ जाएगा कितना, के क्यू क्यू नोट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ऑफ आर कैप, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें तो क्या करना है, गाउस का नियम लगाना है, तो गाउस का नियम क्या होगा, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अल्पांश डीएस था, कौन था, अल्पांश डीएस, हम इससे निर्गत क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, डी फाई इज इक्वल टू द वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन बात करें तो हमें तो कैलकुलेट करना है क्या, कुल निर्गत फ्लक्स, कुल निकल रहा है पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, फाई इक्वल टू कंटूर इंटीग्रेशन यानी कि बंद वेक्टर ई डॉट
डी एस हो जाएगा, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड, ठीक है। तो ई और डी एस की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है फाई इज इक्वल टू द फाई इज इक्वल टू द आ रहा है कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस आ रहा है, ठीक है। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट वेक्टर डी एस, इस तरीके से है। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये जो चीज़ है कौन सी वाली, आर डॉट डी एस, ये वेक्टर ए डॉट बी हो गई। जैसे हम यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करें तो वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से आर कैप, आर कैप क्या एक एकांक सदिश है, तो इसका परिमाण यानी कि एक का परिमाण कितना था, ए था। तो ऐसे आर कैप का कितना हो जाएगा, एक होगा। डॉट डी एस का कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। और बीच का एंगल कितना जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं, फाई इज इक्वल टू द कंटूर इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा ब्रैकेट में रख देते हैं अपॉन आर स्क्वायर, और जो के क्यू था ये क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन के बाहर ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखो फाई इक्वल टू के क्यू ऐसे की ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो पूरी वैल्यू होती है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है किसके इक्वल, डी ऑफ ओमेगा के इक्वल। ये इलेवन में पढ़ा था कि ये घनकोण का सूत्र है कि डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है ये पूरी वैल्यू होती है किसकी, घनकोण की। और घनकोण का अधिकतम मान कितना होता है, घनकोण का अधिकतम मान होता है कितना भाई, के क्यू इंटू, क्योंकि घनकोण का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो घनकोण का अधिकतम मान कितना होता है, 4 पाई होता है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो टर्म हमारी वाली है के क्यू इंटू 4 पाई, तो लास्ट वाली हमारे पास क्या आ रही है, लास्ट वाली हमारे पास आ रही है फाई इक्वल टू के क्यू इंटू 4 पाई, ठीक है। अब हमें ये भी पता है, क्या पता है भाई हमें, के जो होता है के की वैल्यू कितनी होती है, फाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो तब था जब हमारे बंद प्रश्न में कितना आवेश था, केवल क्यू आवेश था, ठीक है। यदि मान लीजिए कि जो हमारा बद्ध पृष्ठ था, ये बद्ध पृष्ठ था ना हमारा, इसके अंदर मान लो हमने एक ही आवेश लिया था, कौन सा, क्यू लिया था उस टाइम पे। अब मान लीजिए इसके अंदर क्यू वन क्यू टू इस तरीके से एंड ऑन करके कितने आवेश हो, क्यू एन आवेश उपस्थित हो, तो हर एक आवेश के कारण, जैसे क्यू आवेश के कारण क्या निकला था, एक विद्युत फ्लक्स फाई निकला था, हर एक आवेश के कारण क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो जैसे इस तरीके से अगर हम बात करें तो फाई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से चलते चलते फाई ऑफ एन बराबर कितना हो जाएगा, क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो टोटल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल निर्गत फ्लक्स जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा फाई इक्वल टू कितना बेटा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस एंड सो ऑन फाई एन, ठीक है। टोटल यही तो होगा, आ रहा है समझ में। तो इस हिसाब से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबकी वैल्यूज पुट कर दो, फाई वन की वैल्यू कितनी थी, क्यू वन अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर वैल्यूज कितनी है, क्यू टू अपॉन, क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस एंड सो ऑन, क्यू एन अपॉन कितना है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या जाएगा टोटल कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस एंड सो ऑन क्यू एन, और समावेशों का योग किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ क्यू। भाई इन सबको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये जो जितने भी आवेश जो टोटल हो रहे हैं इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, इनको क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ क्यू अपॉन वाला एप्सिलॉन नॉट ऐसे की ऐसे। और यही क्या था, यही है हमारा गाउस का नियम, ठीक है।